बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, ये है कसूरी मेथी। इसे मैंने अपने टॉप रूफ गार्डन में लगाया हुआ है और इसकी बहुत अच्छी पैदावार हुई है। ये एक हर्बल प्लांट है और इसे हम स्पाइस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये मसल्स को मजबूत करने में बहुत ही कारआमद है। इसका बीज बहुत ही बारीक होता है, अगर हम उसको लगाने में थोड़ी सी भी गलती कर देंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। इसलिए मेथी का बीज लगाने से पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख लें ताकि बीज लगाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। घर में लगाई जाने वाली मेथी का मुकाबला बाज़ार से ख़रीद कर लाने वाली मेथी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो ये फुली ऑर्गेनिक है और ताज़गी इसकी बेहतरीन है। ताज़ा और खुशबूदार होने की वजह से इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसका जायका भी बाज़ार वाली मेथी से बड़ा ही बेहतरीन होता है। इसको क्यारियों के अलावा कंटेनर में भी बड़ी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। अगर आपके पास ग्रो बैग्स, गमले वगैरह हैं तो आप उनको आसानी के साथ उसमें ग्रो कर सकते हैं। 200 कसूरी मेथी का बीज खरीदते वक्त आपने एहतियात करनी है, क्योंकि एक मेथरे होते हैं उनका बीज मोटाई में ज़्यादा होता है, जबकि कसूरी मेथी का बीज बहुत ही बारीक होता है। कसूरी मेथी को खुशक करके हम महफूज कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा हाथ से मसल कर दूसरे खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनकी खुशबू और जायके में मज़ीद इजाफा हो जाता है। दोस्तों, कसूरी मेथी का बीज लगाने से पहले हमने कैसी मिट्टी तैयार करनी है और इसके लिए हमें कैसा बीज चाहिए और इसकी हमने कैसे हिफाजत करनी है, तो ये सब जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को भी प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। 200 कसूरी मेथी लगाने के लिए मेरे वालिद साहब मेरे साथ हैं, वो मिट्टी को तैयार कर रहे हैं। तो मिट्टी में जो इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं उसमें आम खेत की मिट्टी में भल को शामिल किया गया है और इसमें काफ़ी मकदार गोबर की खाद की भी इस्तेमाल की गई है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अगर कोई मिट्टी की डलियां हैं तो उनको भी खुरपे की मदद से बारीक कर लेना और क्यारी को लेवल कर लेना है। तो इसी तरह अगर आप किसी गमले में भी लगाते हैं तो यही मिट्टी के अज़ाब शामिल करेंगे। कसूरी मेथी उन सब्जियों में शामिल है जिनको आप बार बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको अक्टूबर के शुरू में लगाते हैं तो नवंबर के पहले हफ्ते में आप इसकी पहली हार्वेस्ट ले सकते हैं और अप्रैल के एंड तक आपको इसकी हार्वेस्ट मिलती जाएंगी। दोस्तों, जब भी हम मेथी की कटाई करेंगे, अगली आने वाली जो कटाई है वह 10 से 15 दिनों में दोबारा तैयार हो जाती है, तो इस तरह हम बार बार मेथी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, पहले स्टेप में क्यारियाँ तैयार हो गई हैं, अब इसमें अगला मरहला जो है वो बीज को बिखेरना है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आपने एक हाथ में बीज लेके तो इसको क्यारियों में बिखेर देना है। बीज के इस तरह बिखेरने को छटा लगाना या स्प्रिंकल करना भी कहते हैं। दोस्तों, बीज बिखेरने के बाद आपने यहाँ पर एक बात का ख्याल करना है कि आपने बीज बिखेरने के बाद इनके ऊपर कोई मिट्टी वगैरह नहीं डालनी, ना ही कोई कोकोपीट डालनी है, तो इनको ऐसे ही छोड़ देना है। बीज बिखेरने के बाद आपने क्यारी या कंटेनर की मिट्टी को बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये जिस तरह है बिल्कुल उसको इसी तरह ही रहने देना है। ये छोटी छोटी मिट्टी की डलियाँ भी नज़र आ रही हैं, इनको भी बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो दोस्तों, उसके बाद हम पानी लगा देंगे। ये पाइप को बिल्कुल एक साइड पे क्यारी के शुरू में रख दिया गया है। अब दोस्तों, ये पानी आस्ता आस्ता खुद ही पूरी क्यारियों में चला जाएगा। एक जगह पे पाइप रख देना, बस वहीं से पानी ये आगे चलता जाएगा। इसको बार बार आपने पाइप उठा के दूसरी जगह पे नहीं लेके जाना। दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है, जो पानी वो आस्ता आस्ता आगे क्यारियों में जा रहा है, लेकिन जो बीज जिस पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन में रुके हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे। तो पानी आस्ता आस्ता आगे पूरी क्यारी में चला जाएगा और बीज नीचे मिट्टी के ऊपर बैठ जाएंगे और इस तरह हमारी पूरी क्यारी को पानी लग जाएगा, नमी आ जाएगी, बीज को भी नमी मिल जाएगी और जिस पोजीशन पर वो हैं उसी जगह पर वो जर्मिनेट होना शुरू कर देंगे और मिट्टी की डलियां जो नज़र आ रही हैं वो भी पानी लगने से नरम हो जाएंगी और आस्ता आस्ता वो भी मिट्टी के साथ लेवल पे आ जाएंगी।
दोस्तों जैसे ही आप बीज लगा लें, अगला काम जो आपने फौरी तौर पे करना है वो आपने क्यारियों के ऊपर जाली को लगाना है। ये परिंदों से बचाने के लिए जाली लाजमी है। अगर आप जालियां नहीं लगाएंगे तो जैसे ही बीज जर्मिनेट होंगे परिंदे आके इनको खाना शुरू कर देंगे और कोई भी बीज बाकी नहीं बचेगा। क्यारियों के ऊपर अब जालियाँ भी लग गई हैं और पानी भी आस्ता आस्ता आगे बढ़ रहा है। और एक दिन के बाद ही दोस्तों बीज जर्मिनेट कर गए हैं, क्योंकि मिट्टी को अच्छी तरह पानी लगा दिया था, खुला पानी लगा दिया था, इसलिए सारी की सारी क्यारी जो है उसमें नमी मौजूद है। और दोस्तों इतना ज़्यादा पानी लगाना है कि ये 5 से 7 दिन जो है वो क्यारी खुशक ना हो। दोस्तों अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।